अच्छा ये कहाँ लिखित में है बताइए आप? लिखित में दिया गया है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं की जाती है, सुनी हुई बात ही है। रही बात संवैधानिक पद पर होने और ना होने की, तो अब हमारे किस्मत में दोष था, नहीं तो संवैधानिक पद तो हमको जनता दे ही दी है। अब हमारे किस्मत में ज्यादा सीट रिजर्व हो गया, नहीं तो हम ही ना बैठे होते। आगे बढ़ा और एक बात सुन लीजिए, संवैधानिक पद पे होने के बाद कोई काम नहीं करता है, हम तो नहीं रह के भी बहुत कुछ कर रहे हैं और अपने बल पे कर रहे हैं। हमका हमारा शौक है, हमारा इच्छा है कि हम सिवान की जनता की सेवा करें, जो हम कर ही रहे हैं। मतलब है वार्ड कमिश्नर होना नहीं होना मतलब नहीं रखता, मतलब रखता है कि सिवान का विकास कौन चाहता है, सिवान के विकास के बारे में कौन सोचता है। अपने बारे में तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन सिवान के बारे में कौन सोचता है? अगर ये जो कह रहा है कि उनसे मुलाकातें नहीं, तो उनसे मुलाकात करने से अच्छा अपने वार्ड का विकास कीजिए ना, अपने शहर के विकास के बारे में सोचिए ना, तो उसके बाद जहाँ ढूंढिएगा तहाँ लोग मिलेंगे। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। पीसी करने का ये कारण है कि हम कल समय सिवान के न्यूज चैनल को देखे कि नगर परिषद जो सिवान का टैक्स जो पहले वसूला जाता था नगर परिषद के द्वारा, कल हम मीडिया के माध्यम से देखे कि उसको एनजीओ को दिया गया है, बात चल रही है। तो हो सकता है कि कल एनजीओ वसूली करे तो अवैध तरीके से करे, क्योंकि कोई भी काम प्राइवेटाइजेशन से होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा बहुत तो जोर जबरदस्ती लोग करते हैं, तो हम इसके विरुद्ध में हैं। हम कल एग्जीक्यूटिव साहब से बात किए कि कैसे हो गया, इसको बंद कराइए, जो जैसे चल रहा था एनजीओ, जो टिकट कलेक्टर जो कल हमारे पास आए थे वो बोले कि हम लोग पहले वसूली करते थे, हम लोग को हटा दिया गया, एनजीओ को दे दिया गया। हम उनके साथ हैं जो टिकट कलेक्टर है जो अपने जिले के हैं जो पहले वसूली करते थे, हम नगर परिषद के साथ हैं। तो हम मांग किए कि भाई इसको रोका जाए, हम वार्ड पार्षद लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इनके विरोध में लिख के नगर परिषद को दीजिए कि जो जैसे चल रहा था पहले वैसे ही चले। उसमें पटना में भी ये हुआ था, नगर परिषद एनजीओ को दे देने के चलते वहाँ विरोध हुआ तो कैंसिल हुआ। वैसे हम भी चाहते हैं सिवान में भी नगर परिषद जैसे टिकट कलेक्टर पहले नगर परिषद के वर्कर ही वसूली करते थे वैसे ही चले, ये मेरा उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो क्या इसके लिए आपके द्वारा या वार्ड पार्षदों के द्वारा ऊपर के अधिकारियों को दिया नहीं गया? कुछ वार्ड पार्षद लोग जब मीटिंग होता है विशिष्ट कमेटी का, चाहे नगर परिषद चेयरमैन का, जो वार्ड पार्षद लोग का, उसमें कुछ वार्ड पार्षद लोग अनजाने में भी लिख के दे दिए थे कि ऐसा होना चाहिए, तभी पास हुआ। अरे बोर्ड की मीटिंग में पास होने का मतलब कि नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर लोग अपना जो भी ज्यादा से ज्यादा वोट दिए होंगे इसके पक्ष में तो पास हो गया, लेकिन उस समय वो लोग भी अनजान थे, हम बाद में जाने। हम चाहते हैं कि वो लोग फिर से लिख के नगर परिषद को दे कि जो जैसे चल रहा था वैसे ही चले। ये भी तो हो सकता है जो लोग पहले वसूली करते हैं वही मनमानी करते होंगे। नहीं नहीं, एनजीओ वसूली कभी भी कोई भी काम सरकारी व्यवस्था से हट के प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें मनमानी होता है। अगर नगर परिषद एनजीओ को देकर वसूली कराता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत मनमानी होगा। क्या लग रहा है जो वार्ड पार्षद लिखे थे कि होना चाहिए एनजीओ वसूलेगा, आपको क्या लग रहा है कि वो अब दोबारा ये लिखेंगे कि हाँ नहीं, नहीं वो लोग न्यूज मिला है तभी तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। वो लोग भी अब चाहते हैं कि जैसे चल रहा था वैसे ही चले, तभी वो लिख के देंगे भी, लिख के देने वाले हैं भी। सोमवार को मीटिंग है नगर परिषद में, उसमें हो सकता है कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। जिन पार्षदों ने पहले लिख के दिया था वही पार्षद फिर सूरत भी कराएंगे? जिन पार्षद लोग को नहीं जानते, देखिए 45 वार्ड पार्षद है जिसमें बहुमत होता है, 25 पार्षद लिख के दे देंगे वो हो जाता है, तो 25 पार्षद लिख के सोमवार को दे देंगे कि इसको एनजीओ को रद्द किया जाए और फिर से जैसे चल रहा है वैसे चले। तो इसके लिए सोमवार को मीटिंग है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया के माध्यम से अपने वार्ड पार्षद भाइयों से कि आप लोग एनजीओ को ना दे के आप लोग नगर परिषद के द्वारा जैसे उसूली चल रहा था पहले वैसे ही चलने दीजिए। बोर्ड की मीटिंग है जिसमें इसी मुद्दे को लेकर पहले भी धांधली के आरोप लगते रहे, दो दो एनजीओ काम करता है और जो एक गाइडलाइन है सरकार का वो लोग वो फॉलो नहीं करते। नहीं नहीं, आप फॉलो कर रहे हैं। देखिए आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, आप कभी रात में गुजरते होंगे रोड पे देखते होंगे, रात को भी सफाई होता है नगर परिषद। पहले 25 वर्षों में 30 वर्षों में कभी आपने देखा था? एनजीओ को दबाव बनाया गया कि आप सही से काम कीजिएगा तो रहिएगा, नहीं तो उसमें भी एक प्लस पॉइंट रखा जाता है कि एनजीओ को जब चाहे तब हम लोग हटा सके, ऐसी व्यवस्था है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नगर परिषद पर अवैध लोगों का कब्जा है,
चेयरमैन के कुर्सी पे कोई और लोग बैठते हैं इस तरह? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चेयरमैन की कुर्सी पे कोई नहीं बैठता है, चेयरमैन सीएमपी गुप्ता है, हम उसके भाई हैं, हमने उनको बनाया है, हमने उनका मदद किया इसलिए कि हम सिवान का विकास कर सके और हम चुनाव लड़ रहे थे। ये आप सब भी जानते हो, हमारी सिवान की समझ जनता भी जानती है कि चुनाव हम लड़ रहे थे, हमारी माँ लड़ रही थी, किसी कारणवश रिजर्वेशन होने के चलते हम एक महिला जो मेरे साथ रहने वाले हमारे एक मित्र की पत्नी है जिनको हम बहन है मानते हैं, उनको हमने चुनाव लड़ाया और जिताने का काम किया समस्त सिवान की जनता के द्वारा। सिवान की समस्त जनता चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी हुई है, ना कि कोई है। नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, हमेशा मीटिंग में रहती है। देखिए चेयरमैन होना नहीं होना मतलब नहीं मतलब है, वार्ड कमिश्नर होना नहीं होना मतलब नहीं रखता, मतलब रखता है कि सिवान का विकास कौन चाहता है, सिवान के विकास के बारे में कौन सोचता है। अपने बारे में तो सब लोग सोचते हैं लेकिन सिवान के बारे में कौन सोचता है? अगर ये जो कह रहा है कि उनसे मुलाकातें नहीं, तो उनसे मुलाकात करने से अच्छा अपने वार्ड का विकास कीजिए ना, अपने शहर के विकास के बारे में सोचिए ना, तो उसके बाद जहां ढूंढिएगा तहां लोग मिलेंगे। हम है सारे वार्ड कमिश्नर लोग है, अरे मेहनत क्यों किए हैं हम सिवान के लिए, सिवान की जनता हम पे भरोसा करके हमको वोट क्यों दी? जाहिर सी बात है कि सिवान के विकास करने के लिए जो हम अपने व्यवस्था के हिसाब से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा हम काम करके दिखाए कि जो हमसे वादा हमने किया था, जो हम भरोसा दिलाए थे, जिस भरोसे पे हम कायम, जनता हम पे कायम हुई, जो हम वोट मिला हमें, हम चुनाव जीते, उस पे हम अगर कायम नहीं होते तो आगे चुनाव अगर कभी लड़ते हैं तो जनता हम पे भरोसा नहीं करेगी। लमसम सब वार्ड कमिश्नर भी चाहते हैं सिवान का विकास। अब जिसमें कुछ लोग विकास नहीं चाहते उनसे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब है उसी के चाहने। देखिए अभी हम क्या बोले, ना चेयरमैन के चाहने से ना वार्ड पार्षद के चाहने से, हमारा सपना था कि सिवान का विकास हो, जो आज भी चाहते और कल भी चाहते ही रहेंगे। मेरा उद्देश्य है कि सिवान को जो हम बोले थे कि गोरखपुर बनाएंगे वैसे हम लगे हुए हैं। 7-8 महीना हो गया चेयरमैन ये कुर्सी, 7-8 महीना हो गया चेयरमैन ये कुर्सी। देखिए जीवन यादव कौन है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं नगर परिषद का क्यों बयान देते हैं जीवन यादव, तो कुछ है नहीं वो। ये सत्य है कि हम नगर परिषद में कुछ नहीं है, लेकिन सारी समस्त सिवान की जनता जानती है कि जीवन यादव कौन है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर विकास की बात कर ले, 6-7 महीना हो गया, इसमें आपने कौन सा पांच बड़े काम? बहुत सारे विकास। देखिए अभी ये कितना बड़ा एग्जांपल दिया है, नगर परिषद का। नहीं नहीं सुनिए, नहीं नहीं, नगर परिषद का मतलब होता है सफाई। नगर परिषद आपसे टैक्स, अभी उसी पर मीटिंग की है ना, टैक्स कलेक्टर, तो नगर परिषद आपसे टैक्स क्यों लेती है? क्या आपके घर के सामने, आपके घर के आसपास सफाई हो, शहर सुंदर हो, जो काम चल रहा है रात में सफाई हो ही रहा है, पूरे शहर का नाला का उड़ाई हुआ, आधा घंटा बारिश होता है सर, तो सब इस बार नहीं हुआ, नहीं इस बार नहीं हुआ है, आप ध्यान दीजिए। देखिए नया वार्ड बना है तो नए वार्ड के लिए नई बहाली की जरूरत है, जैसे वर्कर कम है, जमींदार कम है और क्षेत्र बड़ा हो गया है, और नियम है नगर परिषद 2020 में लागू हो गया था कि आप नई बहालियां नहीं कर सकते हैं, नई बहालियां नहीं करने के चलते उतने ही वर्कर से बाहर भी भेज के काम कराया जा रहा है। हो सकता है कि कोई फिर से नियम आए जिसमें ये आए कि भाई बहाली किया जाए, क्षेत्र बड़ा हो गया वर्कर कम है, तो बहाली होगी तो जाहिर सी बात है सफाई और तेजी से होगा। ऐसा तो नहीं है कि जीवन यादव को सिर्फ कागज पे काम देखा जा रहा है, चूंकि आप जब चाह ही रहे हैं विभाग की तरफ से काम ही नहीं हो रहा है, आपको आधा घंटा बारिश में शहर का नाला जाम होता है, रोड पे पानी लग जाता है। हम तो जब भी गुजरते हैं तब तो सफाई दिखता है, सफाई कर्मी रात में कोई गुमराह कर रखे है या फिर सब वैसे ही चलता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं, हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी शहर में रहते हैं। आप तिरंगा लाइट लगा दिए सभी लोगों पे और सफाई की भी बात कर रहे हैं और गोरखपुर बनाने की बात, और कौन सा काम नगर परिषद का होता है? वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ अभी तक आपके द्वारा नया स्लिप रखवाया गया हो। आप एक बात जान लीजिए, दुनिया नगर परिषद के द्वारा सारे वार्डों को, 4500 वार्ड को 15-15 लाख का विभागीय काम गया है, 10-10 लाख का टेंडर गया है, तो काम जब होगा तब आपको दिखाई देगा, अभी तो शुरुआत हुआ है ना, अभी तो टेंडर हुआ है, विभागीय काम गया है, काम लोग हर वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्र में काम करा ही रहे हैं। जीवन जी एक महत्वपूर्ण सवाल होगा, थोड़ा ये तीखा सवाल है लेकिन ये बात पूछनी जरूरी है, आपके जो विपक्ष में जो लोग हैं, विपक्षी आपके अगेंस्ट में जो लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जीवन जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है और वो उन्होंने सीएमपी गुप्ता का को बनाने में उनका सहयोग रहा, लेकिन जीवन जी जो है इसके लोग जा करके बैठे रहते हैं, 30 वार्ड कमिश्नरों ने इसके खिलाफ ईओ को आवेदन भी दिया है कि इनको जो है एसी का मिसयूज करते हैं, इनको जो है यहाँ से। अच्छा ये कहाँ लिखित में बताइए आप? लिखित में दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए सुननी हुई बातों पर भरोसा नहीं की जाती है, सुनी हुई बात ही है। रही बात संवैधानिक पद पर होने और ना होने की, तो अब हमारे किस्मत में दोष था, नहीं तो संवैधानिक पद तो हमको जनता दे ही दी है,
अब हमारे किस्मत में ज्यादा सीट रिजर्व हो गया, नहीं तो हम ही ना बैठे होते। आगे बड़ा वाला और एक बात सुन लीजिए, संवैधानिक पद पे होने के बाद कोई काम नहीं करता है। हम तो नहीं रह के भी बहुत कुछ कर रहे हैं और अपने बल पे कर रहे हैं। हमका हमारा शौक है, हमारा इच्छा है कि हम सिवान की जनता की सेवा करें, जो हम कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, एमपी गुप्ता और जीवन यादव दोनों मिल के लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिना एमपी गुप्ता बिना जीवन यादव राय के थोड़े होता है। ऐसा होता है कि कोई भी काम बड़ा किया जाए बिना राय के, 10 लोगों की राय ली जाती है, उसमें कुछ वार्ड पार्षद है जिनमें कुछ 5 में विशिष्ट मीटिंग वार्ड पार्षद बनाए गए हैं, जो वो लोग भी राय करते, सब लोग राय